हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं बुलेट गुरु, मैं जितेंद्र। दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है टोटली शाइनिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग सब भी पे। दोस्तों आज हम पूरी बाइक को मेंटेन करने वाले हैं, किस तरह से आप इजीली अपने घर पे ना बाइक को मेंटेन कर सकते हैं वो आज वीडियो बताने वाला हूं। एंड दोस्तों हमारे पास है 4-in-1 कॉम्बो फॉक्स केयर का। एंड दोस्तों इसमें कार एंड बाइक्स के लिए ना सभी प्रोडक्ट आता है। तो क्या है इसमें डिटेलिंग में सब कुछ देंगे, इसको यूज़ भी करेंगे। एंड ये यूज़ मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, तो देखेंगे रिजल्ट कैसा आता है। एंड बहुत सारी डिटेलिंग ना क्लीनिंग एंड वॉशिंग के ऊपर आने वाली है, तो मेक श्योर इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए जानते हैं। दोस्तों पहले मैं दिखाता हूँ आपको बाइक कंडीशन, फिर मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या प्रोडक्ट मैंने मंगाया हुआ है। तो दोस्तों दूर से देखने में तो ब्लैक लग रही है, मगर पास से देखेंगे तो ये आप देख लेंगे, देख सकते हैं कि स्पॉट भी लगे हुए हैं और डस्ट भी बहुत ज़्यादा जमा हो चुकी है। अलग अलग जगह पर डस्ट आपको दिख रही होगी, ये देखिए, ये देखिए पूरा आपको डस्ट डस्ट हर जगह दिखाई दे रहा होगा, फ्रंट, रियर, साइड सब जगह में। तो इसको पूरा जो है वो क्लीन करेंगे, पूरा वॉश करेंगे अच्छे से, और फिर उसको हम जो है प्रोटेक्ट भी करेंगे। किस तरह से करेंगे वो बताता हूँ। प्रोडक्ट अगर हम बात करें तो ये है फोम ब्लास्टर, ठीक है, इसको हम यूज़ करने वाले हैं। फॉक्स केयर का है ये। एंड ये डैशबोर्ड क्लीनर है, नॉर्मली ये कार के लिए होता है, बट इसको आप चाहें तो बाइक के सीट्स पर यूज़ कर सकते हैं, और या फिर आपका लेदर कुछ करा रखा है आपने तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है टायर ग्लोसी, टायर शाइनिंग के लिए फॉक्स केयर का। एंड उसके बाद आता है ऑल इन वन पॉलिश। दोस्तों ये ऑल इन वन पॉलिश जो है ना, ये जो है आपकी बाइक के किसी भी पार्ट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ पेंट पर यूज़ करना, आप सीट पर भी यूज़ कर सकते हैं, इंजन पर भी यूज़ कर सकते हैं, रिम में भी यूज़ कर सकते हैं, टायर्स पर भी यूज़ कर सकते हैं, इवन पेंट पर तो यूज़ कर ही सकते हैं। तो चलिए जल्दी से अब स्टार्ट करते हैं, मैं दिखाता हूँ वन बाय कैसा प्रोडक्ट जो है वो करता है एंड इसका रिजल्ट कैसा है। तो दोस्तों अब बारी आती है पहले वॉशिंग की, तो वॉशिंग हम करने वाले हैं। तो कंडीशन मैंने आपको दिखा दी, तो मेरा फोम वॉशर तो नहीं है, बट हाँ प्रेशर वॉशर है, उससे फोम वॉश भी कई हद तक सही सही हो जाता है। एंड यहाँ पर आप कार की कंडीशन में देख सकते हैं, तो आपको पता चल ही गया होगा मैंने क्यों ये प्रोडक्ट जो है मंगाया हुआ है, बहुत दिनों से पड़ी हुई है घर में, मेंटेनेंस काम चल रहा है। तो चलिए जल्दी से वॉश करते हैं इसको एंड दिखाता हूँ कैसा इसका फोम वॉश का रिजल्ट है। दोस्तों आपने देखा कि शैम्पू वॉश जो है, फोम वॉश जो है वो हो चुका है। फोम वॉश का एक्चुअल मशीन तो नहीं था मेरे पास, बट फिर भी रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। अभी इसको 5 से 10 मिनट ना रहने दूंगा ताकि जितना भी डस्ट है ना वो पूरा हल्का हो जाए, एंड जब लास्ट वॉश करूँ ना तो जितना भी डस्ट है वो सब निकल जाए, एंड इसके बाद फिर अप्लाई करेंगे पॉलिश। दोस्तों वॉशिंग जो है ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुकी है, एंड अब जो है कम से कम 1-1.5 घंटा इसको थोड़ा सा ड्राई होने दूंगा, उसके बाद जो है इस पर हम पॉलिश अप्लाई करेंगे। दोस्तों वॉशिंग के बाद क्लासिक जो है पूरा ड्राई भी हो चुकी है, अब बारी आती है ऑल इन वन पॉलिश की। इसको हम यूज़ करने वाले हैं पूरे मेटल पार्ट पर, जितने भी पार्ट्स हैं उस पर, एंड चलिए देखते हैं इसका रिजल्ट भी। तो उसके बाद फोम ऑलरेडी आता है दोस्तों, और आपको सिर्फ अप्लाई करने के लिए बहुत ही ईजी है, सिंपल जैसे पॉलिश यूज़ करते हैं, इसको आपको इसके ऊपर लगाना है एंड आपको ना इसको हर जगह पे यूं इस तरह से हर जगह पहुंचा देना है। ये हर जगह जो है इसको पहुंचा दिया गया है। अब क्या होगा, अब कम से कम 2 मिनट बाद मैं इसको पूरा अच्छे से वाइप कर दूंगा। We'll be right back.
दोस्तों ऑल इन वन पॉलिश जो है वो यूज़ कर दिया है। इस पॉलिश का रिज़ल्ट बहुत ही सही है, मुझे ज़्यादा वाइप भी नहीं करना पड़ा। एंड फोम के साथ ना अप्लाई करना ही बहुत ईजी है, जो आप थोड़ा डिटेलिंग देख सकते हैं। ये देखिए जो लाइंस है ना वो भी नहीं दिख रहा, प्लस डस्ट वस्ट जो भी हैं वो सब भी बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा। क्लीनिंग जो है, इवन ऑल इन वन पॉलिश का फ़ायदा ये है ना कि आप किसी भी जगह पे लगा सकते हैं, किसी भी जगह पे, मतलब ऐसा नहीं है कि इसको इस पर नहीं अप्लाई करते, इसमें अप्लाई कर सकते। तो दोस्तों अब बारी आती है टायर पॉलिश की, देखते हैं टायर पॉलिश का रिजल्ट कैसा है। तो इसको टायर में अप्लाई करते हैं। दोस्तों टायर पॉलिश जो है वो भी यूज़ हो चुका है। एंड टायर पॉलिश की एक चीज़ क्या है, इजी टू अप्लाई है। नॉर्मली टायर पॉलिश में क्या होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, एंड स्पॉन्ज के साथ ना अप्लाई बहुत इजीली हो रहा है। तो आप ये देख सकते हैं टायर पॉलिश जो है शाइन हो रहा है। नॉर्मली वॉश के बाद क्या होता है, थोड़ा डल पड़ जाता है, उतना डार्क ब्लैक नहीं फील आती है, मगर आप देख सकते हैं डार्क ब्लैक जो है वो फील भी आ रही है एंड अच्छा भी लग रहा है। तो दोस्तों अब आता है लास्ट प्रोडक्ट जो कि है अपना डैशबोर्ड क्लीनर। एंड दोस्तों दिस इज़ फॉर द कार, नॉर्मली अंदर का जो पूरा इंटीरियर होता है उसको करने के लिए, बट अगर बाइक में यूज़ करना है तो आप इसको सीट पे यूज़ कर सकते हैं। सीट की लाइफ जो होती है ना वो थोड़ी सही रहती है एंड अच्छा प्रॉपरली क्लीन भी हो जाता है। वो जो जब हम पॉलिश लगाते हैं उस पर चिकना जो हो जाता है ना वो ये नहीं करता है। तो चलिए इसको भी अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों क्लीनिंग वॉशिंग सब कुछ हो चुका है, प्रोटेक्ट भी कर दिया पेंट को, टायर पॉलिश भी यूज़ कर लिया, तो ऑलमोस्ट ये सारे प्रोडक्ट जो है मैंने यूज़ कर लिए हैं। ये कार एंड बाइक दोनों के लिए है दोस्तों। एंड आप अभी रिजल्ट इसका देख सकते हैं, ओवरऑल मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ओवरऑल आप देखिए सीट से लेके टैंक, इंजन, क्रोम पार्ट, सारे क्रोम पार्ट भी इवन ऑल इन वन पॉलिश ने बहुत सही काम किया है। तो मैंने ये प्रोडक्ट उसे पहले ट्राई कर लिया होता, बट प्रोडक्ट का रिजल्ट बहुत ही सही निकला। आई होप दोस्तों आपको ये क्लीनिंग एंड केयर की जो वीडियो होगी वो पसंद आई होगी। एंड दोस्तों ये जो प्रोडक्ट मैंने मंगाया हुआ था 4-in-1 कॉम्बो था फॉक्स केयर का, एंड ये जो प्राइसिंग इसका जो था वो 699 था, तो प्राइस बहुत ज़्यादा सस्ता था एंड चार प्रोडक्ट मिल रहे थे। तो ये जो 4 प्रोडक्ट्स हैं ना ये 6 मंथ तक आप सिंगल बाइक में आराम से यूज़ कर सकते हैं, एंड अगर कार में यूज़ करते हैं इस प्रोडक्ट को तो 3 मंथ तक आप यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब अगर बाइक में 6 मंथ है तो 699 जो था वर्थ था। एंड कई लोग ये पूछेंगे कि दोस्तों इसको किस साइकिल में यूज़ करना चाहिए, तो अगर आप वॉशिंग की बात करें तो वॉशिंग जो है अगर आप डस्टी एरिया में हैं, अगर आप पार्किंग बाहर करते हैं, घर से बाहर करते हैं, तो मंथ में 2 बार जो है आप उसको वॉश कर सकते हैं। अगर आप शेड में खड़ा करते हैं, डस्ट ज़्यादा नहीं उड़ता है, तो आप मंथ में 1 बार आप जो है कर सकते हैं। एंड बाकी केयर की पॉलिश की बात करें तो पॉलिश जो है एवरी वॉश के बाद तो करना ही होता है, एंड वीक में 1 बार जो है कर दीजिए, जिससे कि पेंट की लाइफ जो है वो इंक्रीज हो। तो दोस्तों इस प्रोडक्ट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहां से आप इजीली बाय कर सकते हैं। एंड दोस्तों यहां वीडियो कमेंट करते हैं, कैसे लगे आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड इस वीडियो को यहां तक देख लिया तो लाइक एंड सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो दोस्तों ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और देखते रहिए, बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपके लिए आते रहेंगे। बाय।